नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए है तैयार। आगामी 26 नवंबर को दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक बुलाने का भी है कार्यक्रम। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देहरादून में 575 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, बिना तकनीक के स्मार्ट सिटी की परिकल्पना संभव नहीं। देहरादून में सदैव दून के नाम से इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की घोषणा भी की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा, देश में जल्द लागू होगी नई शिक्षा नीति, जो नए भारत की होगी पहचान। उच्च शिक्षा संस्थान की जरूरतों के साथ ही आधुनिक शिक्षा की दिशा में काम करने की बात कही। और विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। आज शाम 5:13 पर विधि विधान के साथ बंद किए गए कपाट। इसी के साथ चार धाम यात्रा भी हुई सम्पन्न। अब खबरें विस्तार से। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता आनंद शर्मा ने बैठक में भाग लिया। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन, लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान, समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव, तेलुगु देशम पार्टी के जयदेव गल्ला और वी विजय साई रेड्डी भी बैठक में मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद बताया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर इस महीने की 26 तारीख को दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक बुलाने का कार्यक्रम है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी की उपस्थिति में सर्वदलीय नेताओं का बैठक हमने बुलाया था। 37 पार्टी से 27 पार्टी अटेंड हुआ था। उन लोगों ने, अपोजिशन वाले ने बहुत सजेशन भी दिया है, मुद्दा भी उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है इश्यूज टू बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का काम भी है। पार्लियामेंट का प्रमुख काम है डिस्कशन का है, और इस स्ट्रक्चर डिबेट से ब्यूरोक्रेसी को एक सतर्कता का महसूस होना चाहिए, ऐसा डिबेट होना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी सभी ज्वलंत मुद्दों को संसद में उठाएगी और दोनों सदनों की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सरकार के साथ सहयोग करेगी। डिस्कस इन दिस मीटिंग ऑन व्हिच सब्जेक्ट्स शुड बी गिवन प्रायोरिटी रेंजिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस टू फार्मर्स डिस्ट्रेस। मेंबर्स हैव एक्सप्रेस देयर कंसर्न on the environmental issues, the pollution that has been engulfing various states and cities. So a plethora of issues concerning the interest of the common people have been discussed. Government has assured us that our views, our concern will be given due honor. स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देहरादून में 575 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पल्टन बाजार का विकास, पेयजल संवर्धन और वाटर मीटरिंग, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, दून लाइब्रेरी, वर्षा जल निकासी, परेड ग्राउंड जीर्णोद्धार जैसी विभिन्न योजनाओं पर काम किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि तकनीक के बिना स्मार्ट सिटी की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। सरकार तकनीक के माध्यम से जन सुविधाओं में सुधार करने की कोशिश कर रही है। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से जनता को काफी फायदा होगा। बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो टीम है, उसके सीईओ हैं,
बहुत तीव्र गति से इसमें काम हुआ है और उसी का परिणाम है कि आज देश में 30वीं रैंकिंग पर आज देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया है। मैं समझता हूँ कि इससे एक नई शुरुआत उत्तराखंड में हुई है और ये फिर आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने देहरादून में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की घोषणा करते हुए कहा कि इसका नाम सदैव दून होगा और 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थान की सभी जरूरतों के साथ आधुनिक शिक्षा पर भी मंत्रालय ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत में नई शिक्षा नीति भी लागू होने जा रही है जो नए भारत की पहचान होगी। देहरादून के डोईवाला में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही। 33 वर्षों के बाद आया है और दुनिया का सबसे सघन परामर्श वाली शिक्षा नीति है जो उद्योग ज्ञान और विज्ञान और नवाचार से युक्त होगी, जो भारत केंद्रित होगी, भारत के संस्कारों को भी साथ लेकर के चलेगी। हल्द्वानी दो ऐसे मेडिकल कॉलेज हमने शुरू किए थे जो गरीब बच्चा अपने मेरिट पर आ करके और वहाँ शिक्षा ग्रहण करे बहुत कम धनराशि में, शुल्क में वो प्राप्त कर रहा है और 5 साल तक उसके साथ अनुबंध। हमारे माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं और उनको मालूम है कि ये बहुत अच्छे से उन दोनों महाविद्यालयों को चला रहे हैं और अब जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, लेकिन देश के सामने डॉक्टरों की अभी भी समस्या है। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री ने 618 छात्र छात्राओं को डिग्रियां बांटी। पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज शाम 5:13 पर धाम के कपाट पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच बंद किए गए। इस दौरान बद्रीनाथ धाम को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया था। मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नम्बूदरी ने विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया 13 नवम्बर से शुरू हो गई थी। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही चार यात्रा संपन्न हो गई है। कल श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी की डोली पांडुकेश्वर और आदि शंकराचार्य की गद्दी नृसिंह मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। इस साल यात्रा सीजन में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अजय भट्ट ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 42 योजनाओं को धरातल पर पूरी गुणवत्ता के साथ उतारने के निर्देश दिए हैं। रुद्रपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से सामंजस्य स्थापित करने को कहा ताकि योजनाओं का लाभ दूर दराज के व्यक्तियों तक भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आम आदमी के जीवन स्तर को उठाने और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनाई हैं। सरकार श्रमिकों के लिए करोड़ों की धनराशि देती है लेकिन अपात्र लोग भी इसका फायदा उठा लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जांच की जा रही है। जो 42 केंद्र सरकार की तरफ से जो 42 योजनाएं मिलती हैं, 42, उन योजनाओं की समीक्षा हमने की है जिसमें PMGSY है, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, शिक्षा से संबंधित हैं और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। इस तरह से पूरी योजनाओं को अगर देखा जाए तो रोजगार देने से संबंधित योजनाएं हैं, कुल मिलाकर 42 योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा की मैंने आज, श्रम विभाग से संबंधित है। तो कुछ एक कमियां जरूर पाई गई हैं, उनको और तेजी से काम करने के लिए हमने कहा है और दुरुस्त होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने आम आदमी को कैसे उसका जीवन स्तर उठाया जाए और उसको मूलभूत सुविधाएं कैसे दी जाए, इसके लिए योजना बनाई है। मोदी जी का संकल्प है और सपना है कि भारत में असीमित क्षेत्र जहां भी हैं देश के, उन लोगों को जन जन तक सुविधाएं मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी जिले में यमकेश्वर ब्लॉक के कंडवाल गांव में भांग यानी हेम्प से विभिन्न उत्पाद तैयार करने वाले गौरव और नम्रता को मशीन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेशे से आर्किटेक्ट नम्रता और गौरव ने यमकेश्वर जैसे दूर दराज ब्लॉक के गाँव में भांग से उत्पाद बनाने का स्टार्टअप शुरू कर अन्य युवाओं को स्वरोजगार की राह दिखाई है। गौरव और नम्रता के मुताबिक काफी रिसर्च के बाद उन्होंने पहाड़ में पाए जाने वाले हेम्प को रोजगार का साधन बनाने का निर्णय किया। वर्तमान में वे इसके बीज के तेल से साबुन बना रहे हैं। इससे भवन निर्माण सामग्री भी बनाई जा सकती है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ और हाउसिंग के स्पेशल पब्लिकेशन में हेम्प की भवन निर्माण तकनीक पर उनकी रिसर्च पर लेख भी प्रकाशित हुआ था। अल्मोड़ा में पर्यटन, रोजगार और विकास प्राधिकरण पर विचार विमर्श और चर्चा के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पद्म विभूषण स्वर्गीय बीडी पांडे की स्मृति में आयोजित संवाद कार्यक्रम में आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को मंच पर रखा। कार्यक्रम में पहाड़ों में बेरोजगारी और पलायन पर चिंता जताई गई। इस मौके पर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार पर्यटन और रोजगार को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। तो पर्यावरण, पर्यटन, दूसरा है उसमें प्राधिकरण और तीसरा बेरोजगार, ये बहुत अच्छे संवाद है यहाँ पर किया गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पर्यटन की हमारी अपार संभावनाएं, यहाँ पर भी आई थी, बात आई थी, लेकिन पर्यटन में हम अभी उतना कुछ कर नहीं पाए। 19 वर्ष किसी राज्य के लिए बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है। अभी चार धाम के लिए 12,000 करोड़ रुपया अभी सरकार ने दिया है ताकि पर्यटन यहाँ पर क्षेत्र में आए। जागेश्वर के लिए भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और 13 जिलों में 13 डेस्टिनेशन बनाए जा रहे हैं ताकि हमारा ये कटारमल अभी डेस्टिनेशन में आया है। हमारा अल्मोड़ा जो है नवदुर्गा अष्टावक्र की भूमि है, इनको सब जोड़ने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। तो पर्यटन आए, लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हमारे पास पर्यटन को ठहराने के लिए स्थान हमारे पास कम है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि पर्यटन और रोजगार को बढ़ाने के लिए संभावनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्यटन के संदर्भ में महत्वपूर्ण उन्होंने, पर्यटन के संदर्भ में और रोजगार के संदर्भ में उन्होंने कहा है, तो हम समझते हैं पर्यटन और रोजगार इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए बड़े ही सटीक विषय है और इस पर जो यहाँ पर संवाद होगा राज्य सरकार को भी देंगे। और मैं समझता हूँ कि इस पर हम सबकी चिंतित भी होना चाहिए कि हमारे राज्य के लिए जो असली थी कि राज्य की अवधारणा थी कि रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ने के लिए चाहे पर्यटन हो, चाहे कृषि हो या अन्य जो अवसर है उसको बढ़ाने के लिए एक राज्य की विशेष पर्वत। कार्यक्रम में गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण एवं विकास संस्थान और बीपीकेएस के निदेशक सहित कई बुद्धिजीवियों, शोधार्थी और ग्रामीण शामिल हुए। राज्य विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति की बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में उन्होंने गैरसैंण में बने विधानसभा परिसर के लिए आवश्यक फंड की भी मांग की। श्री अग्रवाल ने कहा कि गैरसैंण विधानसभा भवन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध संस्थान के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने देहरादून में आगामी 17 दिसम्बर से 21 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए बैठक में मौजूद विधानसभा अध्यक्षों को आमंत्रित किया। 5 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों ने समिति की बैठक में हिस्सा लिया। पिथौरागढ़ महाविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में वक्ताओं ने कहा कि मानवता के कल्याण में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व आज के समय में और अधिक बढ़ गया है। वक्ताओं ने कहा कि इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना है और उनके द्वारा बताए गए सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए मानव जीवन का कल्याण करना है। लेकिन इसका उद्देश्य केवल यही नहीं है कि हम केवल उनके जो उनको याद करें, उनके क्या क्या उन्होंने किया है उनको कुछ कार्य रूप में परिणित करने के लिए हम कुछ काम करें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन उसको परिणित करने के लिए मेरे ख्याल से जनता को उसके बारे में बताना, उनके विचारों के बारे में अवगत कराना, और केवल ये नहीं कि गांधी की कोई एक फिलॉसफी थी उस फिलॉसफी को केवल बुक तक रखा जाए, उस फिलॉसफी को हम अपने
कार्यशैली में, हम अपने जीवन में, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उसको धरातल में उतार सकते हैं, उस चीज के लिए ये सारे प्रयास हैं। इस सेमिनार में देश के 14 राज्यों के विद्वान शिरकत कर रहे हैं। करीब 14 प्रदेशों से लोग उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ऐसे कई प्रदेशों से जो विश्वविद्यालय है उसमें कई प्रकार के जो प्रोफेसर हैं और सहायक प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं, वो यहाँ पधार चुके हैं पिथौरागढ़ में। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।